नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाई फाई सिक्योरिटी में। दोस्तों एनवीआर के कितने टाइप्स होते हैं यह समझना काफ़ी जरूरी है और इस पर आज मैंने वीडियो बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ आपको कि 4 चैनल का एनवीआर, 8 चैनल का एनवीआर, इको, नॉर्मल, ये सारी चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर जो है जो बेसिक डिफरेंस है, जो कि अंदर की जो टेक्नोलॉजी है, जो किस टेक्नोलॉजी से काम करती है ये दोनों एनवीआर, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। एक एनवीआर आता है स्टैंड अलोन पीओई एनवीआर और एक होता है स्टैंडर्ड एनवीआर। ये इन्फॉर्मेशन होना आपको काफ़ी ज़रूरी है और दोनों के क्या क्या जो है फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि DVR का टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल से अलग है और NVR की टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से DVR से अलग है, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको DVR और NVR का डिफरेंस भी बताया था। उम्मीद है वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा और काफ़ी लाभ उठाया होगा। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जल्दी से समझते हैं कि NVR के टाइप्स जो दोनों हैं, स्टैंड अलोन पीओई NVR और स्टैंडर्ड NVR, बेसिक डिफरेंस क्या है और आपको किस तरह के एनवीआर को परचेज करनी चाहिए। दोस्तों पहला है स्टैंड अलोन एनवीआर। अब स्टैंड अलोन पीओई एनवीआर जो है ये है क्या? देखिए POE तो आप लोग समझ ही चुके होंगे, अगर आप नहीं समझे हैं तो इन शॉर्ट में बता देता हूँ, पावर ओवर इथरनेट। जी हाँ दोस्तों, आप इथरनेट वायर जो यूज़ करते हैं या लैन वायर जो यूज़ करते हैं, कैट 5 या कैट 6 के वायर को जो आप यूज़ करते हैं एनवीआर में आपका डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, अलग से आप DC पावर सप्लाई के लिए अडेप्टर देते हैं और भी चीज़ें जो भी यूज़ करते हैं, एक POE स्विच आता है जिसमें कि डेटा भी एक साथ ट्रांसमिट होता है और पावर भी वो POE स्विच ही ट्रांसमिट करता है, अलग से पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन स्टैंड अलोन POE NVR में जो है इन बिल्ट होता है, ये सारा NVR में ये सारी क्वालिटी उसके अंदर होती है, वो खुद से जो है डेटा ट्रांसमिट भी करती है, रिसीव भी करती है और पावर भी ट्रांसमिट करती है। ये सारी चीज़ें एक NVR के अंदर खासियत होती है जिस कारण से इसको स्टैंड अलोन POE NVR कहते हैं। इसमें अलग से आपको स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से आपको POE स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक खास बातें हैं। और इसमें आपका एक पहचान मैं आपको बता दूं, मॉडल वगैरह तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन एक पहचान ये है कि इसमें आपका 8 चैनल का है तो 8 पोर्ट आपको इसका बना हुआ रहेगा, 8 इथरनेट पोर्ट बना हुआ रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड NVR जो है उसमें आपका सिंगल पोर्ट बना हुआ रहता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसका अब क्या बेनिफिट है ये आप समझ लीजिए। देखिए ये आइडियल फॉर होम एंड स्मॉल बिजनेस के लिए है। देखिए क्यों ये है, क्योंकि इसका जो POE का जो नेटवर्क है, जो POE मैक्सिमम ट्रांसमिट कर सकती है पावर को, वो आपका 100 मीटर है। आप इससे कम लेके चलिए, आप इसको 80 या 90 मीटर लेके चलिए तो काफ़ी आसानी होगी आपको समझने में। अगर आपका POE NVR से आपका 80 मीटर 90 मीटर या मैक्सिमम 100 मीटर्स तक का जो है आपका डिस्टेंस है आपके IP कैमरे का, तो आपका काफ़ी अच्छा है आपका स्टैंड अलोन POE NVR, क्योंकि इससे आपको जो है खर्च बचता है और इसमें अलग से आपको स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं होती, POE स्विच, तो ये एक आपको फ़ायदेमंद साबित होता है। स्मॉल घर वगैरह में यूज़ कर रहे हैं या स्मॉल बिजनेस मैन हैं आप, तो फिर काफ़ी अच्छा है आपके लिए, स्मॉल बिजनेस है तो बेहतर है। उसके बाद सिंपल है, प्लग एंड प्ले है, क्योंकि POE स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इथरनेट वायर को CCTV जैसे वायरिंग करते हो सिंपल से आप वहाँ से ले आइए IP कैमरे से और आप POE NVR में लगा दीजिए। सिंपल है, प्लग एंड प्ले, आपका अलग से पावर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, नो नेटवर्क रिक्वायर्ड भी है अलग से, नो नेटवर्क रिक्वायरमेंट, अलग से कोई POE स्विच या अलग से कोई नेटवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ये आपका प्लग एंड प्ले है, सिंपल है, इसको चलाना काफ़ी आसान है, डायरेक्ट वायर आप इसके अंदर डाल सकते हैं, इसके अंदर जैक होता है आपका 8 का है तो 8 जैक होगा, 16 का है तो 16 जैक का पोर्ट बना हुआ रहेगा इथरनेट पोर्ट, तो ये खासियत है इसमें। नो नीड फॉर एडिशनल POE स्विच, ये हम लोग समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक जो इसका नेगेटिव पॉइंट जो मुझे ये समझ में आया कि थोड़ा महंगा है, स्टैंडर्ड NVR से थोड़ा महंगा है, चूँकि इसमें POE स्विच की आपको अलग से खर्च नहीं पड़ता है और इसको आसानी से जो है आप मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये खासियत है आपका स्टैंडअलोन POE NVR के। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड NVR, जो कि आप लोग देख रहे हैं जो नॉर्मल NVR होते हैं जिसमें अलग से आप POE स्विच लगाते हैं, अलग से POE स्विच अगर आप नहीं लगाते हैं तो अलग से पावर सप्लाई से जो पावर देना पड़ता है। ये जो आइडियल ये बड़े बिजनेसमैन के लिए जो है, या बड़ा बिजनेस वगैरह है, या बड़ा स्केल है आपका, बड़ा
एरिया है आपका जहाँ पर आप इस एनवीआर को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ के लिए आइडियल है, क्योंकि अलग से आपको पावर का पीओ स्विच आप दे रहे हैं अलग से या फिर पावर सप्लाई दे रहे हैं, सारी चीज़ें अलग से आप कर रहे हैं तो ये आइडियल है आपका। इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव ये कि सस्ता है आपका स्टैंडअलोन पीओ एनवीआर से जो है ये काफ़ी सस्ता है और ये आपके बजट में आ जाएगा, क्योंकि आजकल तो एनवीआर काफ़ी कम प्राइस में आ रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड एनवीआर ही है और ये आपको जो है बजट में आ जाएगा, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आपका इजीली इंटीग्रेटेड है, चूँकि अगर आपका ओल्ड आपका कहीं से लगा हुआ आईपी कैमरा वगैरह या फिर अलग एनवीआर वगैरह है तो वहाँ पर जो पीओ स्विच वगैरह आपका पहले से है, आप एक्सचेंज कर रहे हैं 8 के बदले 16 ले रहे हैं या 4 को चेंज करके आप 8 वाला एनवीआर ले रहे हैं, 8 पोर्ट वाला 8 आईपी कैमरे वाला, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आसानी से स्टैंडर्ड एनवीआर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका स्टैंडअलोन पीओ एनवीआर यहाँ पर यूज़ नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम ही अलग हो जाएगा, पीओ स्विच आपका है तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है वायरिंग वगैरह जो आपके पहले से जो हुई है वो पूरी तरह से आपको बदलनी पड़ जाएंगी। इसके बाद आपका ये आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क में यूज़ हो जाता है, ये हम लोग देखे हैं और ये आपका प्राइस सस्ता है दोनों में जो ये है, ये स्टैंडअलोन पीओ एनवीआर और स्टैंडर्ड एनवीआर, ये एक पूरी तरह से एनवीआर का एक अलग सा चैप्टर है जो कि आपको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बाकी 4 कैमरा 8 कैमरा 16 कैमरा ये सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये आपका इको एनवीआर भी है, नॉर्मल एनवीआर भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन कैटेगरी जो है एनवीआर का जो मेटल और प्लास्टिक बॉडी हम लोग डीवीआर में देखते थे, यहाँ पर भी मेटल और प्लास्टिक है, लेकिन ये इससे भी बड़ा एक जो डिफरेंस है ये स्टैंडअलोन पीओ एनवीआर और स्टैंडर्ड एनवीआर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा और अगर कोई प्रॉब्लम आपको हुई होगी ताकि मैं अच्छी तरह से मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ तो चैनल में जरूर कमेंट बॉक्स में जो है जरूर ये बता दीजिएगा और जो सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।